नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृत्त वृत्त आधारित प्रश्न के बारे में। बात करेंगे सर्कल पे कुछ क्वेश्चन को आज हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम वृत्त के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम फार्मूला को समझ लेते हैं। अब ये वाला जो फार्मूला है एक सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, सर्कल का बेसिक फार्मूला के बारे में बात करें, सर्कल क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं, मतलब वृत्त क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस अगर ले लेंगे ना, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है, ठीक है। ये फिगर में भी लिखा हुआ है 2 × r। सर्कल का एरिया अगर देखेंगे तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया, सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 πr, 2 πr, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या, मैंने बता दिया डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू में डायमीटर बाय 2। तो ये चार फॉर्मूला आपको एक वृत्त के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आगे जो बताया गया आपको त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के बारे में बताया गया, मतलब सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बताया गया। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा और मैं भी समझाने का आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फिगर में सबसे पहले बोला गया त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है, जो एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। फिगर में आपको दिख रहा होगा एक वृत्त बना हुआ है, बीच में सेंटर है और ये त्रिज्या है। ये क्या है, एक त्रिज्या है। और ये त्रिज्या क्या करता है, एक खंड बनाता है, मतलब यहाँ पे एक थीटा एंगल बनता है, ये सेंटर ओ हो जाता है, ये रेडियस हो जाता है, ये रेडियस हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो खंड बना, ये ए ओ बी बना। खंड क्या बना, ए ओ बी बना, त्रिज्या द्वारा जो खंड बनाया गया ए ओ बी बना। अब यहाँ पे पूछा गया कि त्रिज्या खंड कितना हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि त्रिज्या खंड कितना लिखा हुआ है, त्रिज्या खंड लिखा हुआ है सेक्टर, जिसको बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर अगर निकालेंगे, त्रिज्या खंड हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सेक्टर, वो हो जाएगा थीटा बाय 360। टोटल एंगल कितना होगा, एक सर्कल के लिए 360 होता है, और गुना में क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 गुना में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा बाय 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया त्रिज्या खंड। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना, नीचे जो आपको दिख रहा है ये वृत्त खंड हो जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड में से क्या कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा वृत्तखंड का। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन में देखिएगा, नंबर तीन में लिखा हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2, पहला भी क्षेत्रफल दिया हुआ है और तीसरा भी क्षेत्रफल दिया है, तो दो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सेक्टर के लिए, त्रिज्या खंड के लिए। तो 1/2 चाप की लंबाई, ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है चाप। अगर चाप की लंबाई भी दिया हुआ है ना, तो भी आप निकाल सकते हैं, हो सकता है थीटा ना दिया होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसी चीज को, 1/2 चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को लेंथ मान लिए, एल मान लिए, इंटू में रेडियस हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो चाप की लंबाई इंटू में रेडियस। अब चाप की लंबाई आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो चाप की लंबाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है ना, उसी को क्या क्या कर देना आपको,
टू पाई मतलब 1 थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही होता है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ थीटा बाई 360, क्योंकि कितना भाग है वो निकालेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमने बना लिया। ठीक है, आगे दिखेगा, आगे दिखेगा आप लोग, त्रिज्या खंड का परिमाप कितना होता है। परिमाप में क्या होता है, सबको जोड़ दिया जाता है। तो ये वाला त्रिज्या खंड का परिमाप, तो ये तो होगा ही, परिमाप निकालेंगे तो इसमें केवल क्या कर देंगे, 2 पाई आर को जोड़ देंगे। 2 पाई आर को इसमें हम लोग 2 पाई आर को जोड़ देंगे, दो रेडियस, ये वाला दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, त्रिज्या खंड का परिमाप है। जो चौथा कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 5वें नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख रहे होंगे इक्वल टू में एल प्लस में आर लिखा हुआ है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, ये चाप की लंबाई निकाले तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। इस चीज को क्या बोला जाता है, एल, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एल प्लस में 2 आर लिखा गया। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर चाप की लंबाई दिया हुआ है तो त्रिज्या खंड की टोटल लंबाई निकाला जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला फॉर्मूला। अगले फॉर्मूला में आपसे क्या पूछा गया, देखिएगा अगले फॉर्मूले में पूछा गया अर्धवृत्त वृत्त पूछा गया, सेमी सर्कल पूछा गया। तो सेमी सर्कल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सेमी सर्कल क्या हो गया, अर्धवृत्त, मतलब आप लोगों को पता हो गया कि आधा सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त बोलेंगे सेमी सर्कल को। अब पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल को होता है, इसको 2 से भागा दीजिएगा तो सेमी सर्कल का निकलेगा। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप, पेरीमीटर, थोड़ा ध्यान से समझना है, पेरीमीटर तो ये हो जाएगा पाई आर, मतलब 2 पाई आर बाई 2, पूरा जो परिमाप होता है, सरकमफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, परिमाप मतलब सरकमफेरेंस है, बट ये भी तो ऐड हो रहा है ना प्लस में डी, तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब पाई आर प्लस में 2 आर, डी मतलब क्या होता है 2 आर, पाई आर प्लस में 2 आर हो जाएगा अर्ध सर्कल का मतलब वृत्त का परिमाप हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है कि 22/7 या फिर 3.14 आप लोग को लेना है। ठीक है, यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन को, टाइप वन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, टाइप वन पहले क्वेश्चन को देखिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड के वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा वृत्त का त्रिज्या, पहले फिगर अगर हम लोग बनाए तो ये एक पार्क है जिसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, जिसका जिसमें ये 14 है रास्ते का जो लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना रेडियस कितना दिया है सर्कल का, वो कितना दिया है 56 दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 2 आर है, एक कैपिटल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर हो जाएगा, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा 56 प्लस में 14, 56 प्लस में 14 मतलब 70 हो जाएगा, और स्मॉल आर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया अगर निकाले तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू में पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पाई को कॉमन ले लीजिएगा, 70 का स्क्वायर लिखेगा माइनस में 56 का स्क्वायर लिखेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 22/7 लिखेंगे, अब प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और माइनस कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 7 दुनी, अब ये 44 गुना में 126 हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा, आंसर हो जाएगा 55/44 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा 55/44 से मीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपने काफी आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर की ओर 7 मीटर, 1 मीटर ने लिखा है 7 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, 7 मीटर है चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके अंदर की ओर, यहाँ क्या लिखा हो गया है, इसके अंदर की ओर मतलब ये जो रास्ता बनाया गया ना, अंदर की ओर बनाया गया। ठीक है, तो ये कितना मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है।
ठीक है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। और यहाँ पे टोटल ये कितना हो जाएगा, अंदर की ओर बनाया गया तो ये टोटल होगा, ये बाहर वाला सर्कल क्या है, ये पार्क को दिखा रहा है, ये पार्क को दिखा रहा है, ठीक है, बाहर वाला सर्कल जो है पार्क को दिखा रहा है। अब ये कितना 28 है, ये कितना 28 है, ठीक है। यहाँ कैपिटल आर कितना निकल जाएगा, कैपिटल आर 28 निकल जाएगा। स्मॉल आर कितना निकल जाएगा, स्मॉल आर 28 माइनस में 7 निकल जाएगा, मतलब यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल आर 21, कैपिटल आर 28 निकल जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, वैसे ही हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसी काम को किया था। अब ए प्लस बी ए माइनस बी 22/7 है, ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28+21 है, 28+21 गुना में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, मतलब 22×49 हो जाएगा। तो 22×49 कितना हो जाएगा, 22×49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22×49, 1078, 1078 आ जाएगा 22×49। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1078 m². तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन और कितने आसानी से हमने बनाया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, दो एक टाइप 2 देखिएगा। दो एक के केंद्रीय वृत्तों का परिधि क्रमशः 176 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, मतलब दो वृत्तों का परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब एक ही केंद्र पे दो वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है। इनके त्रिज्याओं के में कितना अंतर होगा ये निकालना है, मतलब दोनों के रेडियस निकालना है, फिर उनका अंतर आपको ज्ञात करना है कि त्रिज्या में कितने का अंतर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 में ध्यान से देखिएगा, फिगर में बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे एक सेंटर हो गया, यहाँ से एक सर्कल, इसी के ऊपर दूसरा सर्कल यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलेंगे दो एक केंद्रीय वृत्त बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा, पहले का जो सर्कमफेरेंस दिया है, सी इक्वल टू में कितना दिया है, 176 से नहीं 132 दिया हुआ है, छोटे वाले का 132, और इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा कितना, 176। अब आपको पता है कि सी इक्वल टू में क्या होता है, 2πr होता है, सी इक्वल टू में 2πr, और सी का वैल्यू हो गया 132। स्मॉल आर यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 2×22/7 × स्मॉल आर। अब यहाँ 44 दिया हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू में हो जाएगा 21, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, सी इक्वल टू में 2πr हो जाएगा, और सी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, सी इक्वल टू में दिया हुआ है 176। कैपिटल आर यहाँ लिख लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर हमने लिखा। अब यहाँ 2×22/7 × और कैपिटल आर हम लोग को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, तो कैपिटल आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में अंतर आपको निकालना है, तो देखिए ये 21 आया, ये 28 आया, मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू में 28 − 21, मतलब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, आप आसान तरीके से बना सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी तरह से बनाइएगा, नहीं तो आपको ट्रिक मैं बताऊंगा तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक हो जाएंगे, आपको याद काफी ज्यादा करने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट से समझिए क्वेश्चन, जहाँ पे कॉन्सेप्ट से आसानी से बनता है तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को बनाएंगे। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड में से प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इनमें ये इस प्रकार व्यवस्थित किए गए, मतलब अरेंज किए गए हैं कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य दो को छूता है, ठीक है, अन्य दो को छूता है, तो उन कार्डबोर्डों के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ये एक सर्कल बना, यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, और यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, ऐसा करके आप लोग बना लिए। अब आपसे जो क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, सबको मिला दीजिए, ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और आपसे क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, ये वाला,
जो मैंने कलर किया उस रीजन का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उस रीजन का क्षेत्रफल या तो ट्रिक से बना सकते हैं या स्टेप से बना सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक भी दोस्तों स्टेप से ही निकलता है, तो ट्रिक आपको याद करना होगा, पहले से मैं बता देता हूँ। अगर ट्रिक से बताऊँ तो रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 6/7 r² 6/7 r². अब रेडियस कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 21 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आर इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर। तो 6/7 21 गुना में 21 कैंसिल आउट कीजिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा, 378 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें भी आंसर दिया होगा वो हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ट्रिक से। अब अगर हम लोग स्टेप से बनाएंगे तो स्टेप से अगर हम लोग बनाए तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। इस चीज को रहने देता हूं मैं, स्टेप से यहां पे बनाता हूं, देखिएगा यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप और ये हमने बनाया ट्रिक। अब देखिए स्टेप से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो जाएगा 21, मतलब ये क्या है डायमीटर रेडियस है, और ये भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, मतलब है स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा 21 प्लस में 21 हो जाएगा, मतलब 42 हो जाएगा, ये स्क्वायर का साइड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये सभी सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, तो जो त्रिज्या खंड होगा सबका सेम होगा। त्रिज्या खंड निकालना हमने बताया हुआ है कि कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो 90 का एंगल बन रहा है ना, तो त्रिज्या खंड निकाल लीजिए एक सर्कल का, मतलब सेक्टर निकाल लीजिए किसी एक सर्कल का, तो टोटल सेक्टर अगर निकालें हम लोग तो ये जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। इनको 4 से गुना करके क्या करेंगे, इसको एरिया 2 लिख लेते हैं। एरिया 2 इक्वल टू में 4 गुना में त्रिज्या खंड, मतलब 90/360 है, 90/360 है, और पाई आर स्क्वायर 22/7 है, और आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर 21 गुना में 21। इसको सॉल्व कीजिएगा और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो निकालिएगा। एरिया 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, मतलब 42 स्क्वायर निकालिएगा। अब दोनों को घटाइएगा तब जाके दोस्तों आंसर आएगा। तो मैंने लिख दिया, आप चाहे तो ऐसे ही भी बना सकते हैं या इस चीज़ को फॉलो कीजिए तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि जो स्टेप है उसमें ज़्यादा सोचना होगा, ट्रिक में आपको ज़्यादा नहीं सोचना होगा। और ये ट्रिक जब इस स्टेप से, ये जो ट्रिक निकला ना इसी स्टेप से निकला है, ठीक है, कहीं अलग से मैंने निकाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप जैसे भी मन हो वैसे आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा एरिया 2 माइनस में एरिया 1 हो जाएगा, या जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टाइप 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से बनाइएगा। देखिएगा 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक वर्ग बना लीजिए, ऐसे करके एक वर्ग बना लीजिए, उसके अंदर क्या कर दीजिए ना एक सर्कल को खींच लीजिए, एक सर्कल को खींच लीजिए। अब दिया हुआ है कि वर्ग का जो भुजा है ना वो 28 है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा, मतलब ये टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू में साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, जो भी यूनिट दिया उसको बैठा लीजिएगा। अब यहाँ पे रेडियस निकालना होगा तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है। इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, 22/7 और यहाँ पे 14 गुना में 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ 22 गुना में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 22 गुना में 28 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 616 हो जाना चाहिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर में दिया है तो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, टाइप 4, एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 है। सेम यही क्वेश्चन है और इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, 14 दिया हुआ है ना,
तो हम लोग को क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल इस बार निकालना, मतलब उल्टा करना है, तो फिगर तो यही बनेगा। और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर यहाँ से डायरेक्ट बनाना चाहे तो भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए ये 14 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है, ये त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो 14 प्लस में 14 डायमीटर हो जाएगा, मतलब है क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 2 इंटू में आर, 2 आर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना में 14 हो जाएगा, मतलब कि 28 से हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, ई स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, ई स्क्वायर होता है, मतलब 28 द होल स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा, एरिया इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 784 हो जाएगा, ठीक है ना, 784 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक वृत्त बना लीजिए, उसके अंदर क्या कीजिए, एक वर्ग को बना लीजिए, जैसे एक वृत्त बना लिए, उसके अंदर हमने क्या किया, एक वर्ग को बना लिया, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के अंदर खींचे गए, मतलब इसका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया, डायमीटर कितना हो जाएगा, 21 प्लस में 21 42 हो जाएगा, मतलब इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर के डायमीटर के बराबर हो जाएगा, जो कि 2R हो जाएगा, मतलब 2R कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना में 21 हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, डायमीटर हमने निकाल लिया, वो कितना निकल गया, 42 निकल गया। अब डायमीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर इक्वल टू में डायमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ राइट एंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a² हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 था होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1764 हो जाएगा, 1764 है बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में था तो ये भागा दे देगा, तो ये 882 होना चाहिए कट के, और इस ए स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, स्क्वायर का एरिया होगा 882, तो इसे क्या कीजिए, एरिया 1 मान लीजिए। अब एरिया 2 निकालते हैं, अब एरिया 2 मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 22/7 गुना में, और आर का मतलब क्या हो जाएगा, 21/21 हो जाएगा, 21/21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया 2 कितना हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा 3 गुना में 66 गुना में कितना हो जाएगा, 66 गुना में 21 हो जाएगा, 66 गुना में 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपस में गुना कीजिए, तो यहाँ से गुना करते हैं हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, तो 66 गुना में 21, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, यहाँ पे 13 मतलब 1386 हो जाना चाहिए, यहाँ पे गुना किए तो कितना आ गया, 1386, कितना आ गया, 1386। अब हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया किस चीज़ का निकालना है, हम लोग को क्वेश्चन में लिखा गया कि जो बच गया उस चीज़ का एरिया निकालना, मतलब ये वाला जो पोर्शन मैंने शेडेड किया है ना वो एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को घटा देंगे, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा, तो 1386 माइनस क्या करेंगे, 1386 मतलब 882 माइनस कर देंगे, 1386 में से 882 माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 504 आ जाएगा, दोनों को घटा लीजिएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना निकल जाएगा, 504, 504 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों आसान है, ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पहले मैं लिख देता हूं, पूछा गया है कि यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण पर तीन वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को छूता है, तो इन तीनों वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा इसका अगर फिगर बनाए, यहाँ पे ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका फिगर बना सकते हैं, ठीक है, तो फिगर हमने बना लिया। आगे दिखेगा, यहाँ पे तीन वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, सबको मिला दीजिए, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये हर एक वृत्त का क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ये भी। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि तीन वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्त को छूता है, तब इन तीनों वृत्त से घिरे हुए क्षेत्रफल का भाग निकाले। मतलब ये घिरा हुआ भाग क्या है, ये वाला, बीच में जब बच गया ये वाला, तो इसका त्रिज्याखंड ये वाला निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, और तीनों को क्या करेंगे, तीन से गुणा करके इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा, एरिया वन माइनस में एरिया टू हो जाएगा, मतलब ज्यादा एरिया में से कम एरिया को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे दोनों का एरिया, तो सर्कल का तो एरिया निकालना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु बाहु, मतलब ये जो भुजा है ना, इसका मान लीजिए ए दिया हुआ है भुजा, तो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल ए का 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर हम लोग रेडियस निकालें, तो ये देख सकते हैं कि ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, मतलब ये ए जो है ना सर्कल के डायमीटर के बराबर का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28/2 करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 14, मतलब रेडियस निकल गया कितना, 14। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया वन निकालते हैं, मतलब त्रिज्याखंड निकालते हैं, तीन गुना में त्रिज्याखंड कितना हो जाएगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा बाई 360 × π r² π r² ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 × π r² × 3 करेंगे, क्योंकि तीन त्रिज्याखंड इक्वल इक्वल बन रहे हैं यहाँ पे। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 180/360, 180/360 गुना में 22/7 है, और गुना में रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना आ गया, 14 गुना में 14। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसको सॉल्व कीजिए, दो बार में कट गया और ये 11 बार में कट जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब 28 गुना में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 गुना में 14 हो जाएगा। तो हम लोग ये गुना कर लेते हैं क्योंकि काम आने वाला है ये, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 28 गुना में 14, 28 गुना में 14 कितना हो जाएगा, 32 हासिल 3 और 8 3 11 112, और यहाँ पे 28 मतलब 2 9 392 निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 392। एक एरिया हम लोग का निकल गया त्रिज्याखंड का, मतलब ये एरिया प्लस में ये एरिया प्लस में ये एरिया। अब हम लोग को त्रिज्या मतलब इसका क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब एरिया टू निकालना है। तो एरिया टू के लिए हमारे पास कहाँ स्पेस है, यहाँ पे मैंने लाइन खींचा और यहाँ से हम निकालते हैं एरिया टू, तो ये होता है √3/4 a² होता है त्रिज्या, मतलब समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ये, तो √3/4 a² कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा 28 गुना में 28 हो जाएगा, ठीक है। ये काटिए, 7 बार में कटेगा और यहाँ पे 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का वैल्यू आपको पुट करना होगा तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 2 14 5 19 196 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है, 196 √3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, √3 इक्वल टू में 1.73 होता है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को, 173 गुना में 196। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, आंसर कितना आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 392 लिखा हुआ है, 392 लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस में 196√3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 196√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को घटा दीजिएगा तो आपका फाइनली जो एरिया आ जाएगा घट के, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो फाइनली आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21.8 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसका वैल्यू बता दिया, इस वाले संख्या को 196 को इस वाले संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको घटाइएगा, तो 21.8 आ जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो ये बन गया।
अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त बना लीजिए, उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसका रेडियस कितना दिया, 7 दिया हुआ। इसका रेडियस कितना दिया, 7। बीच में मान लीजिए सेंटर है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7। मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो हाइट है ना ट्रायंगल का, जो हाइट है ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना है, 7। अब आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया किसका, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में 1/2 बेस इंटू में हाइट। इतना आप लोगों को पता है कि 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है। अब एरिया के 1/2 लिखा हमने, अब बेस कितना है यहाँ पे, बेस हो गया 14, बेस हो गया 14, और हाइट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दो बार में 7 बार में 7 कट गया, मतलब 49 हो जाएगा। मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है और कितना आसानी से बनाया। अगर आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा। जो भी आर है उसको पुट कीजिए तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये ट्रिक से भी बना सकते हैं केवल देख के, अगर आपको स्टेप से बनाना है तो स्टेप से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया, जो भी आपको इजी लगे उससे बना लीजिए। ट्रिक आपको याद रखना होगा, स्टेप से आप बिना कोई मुश्किल के बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया। पूछा गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप बताए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप बताए, सरकमफेरेंस बताना है। तो परिमाप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये 14, ये 14, डायमीटर निकल गया 28, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बताया था, आप लोगों को याद होगा परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा परिमाप कैसे हम लोग निकालेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस में डी हो जाएगा, 22/7 गुना में 14 प्लस में 28, 7 दुनी ये कितना हो जाएगा, 44 प्लस में 28, ये कितना हो जाएगा, 44 प्लस में 28 कितना हो जाएगा, 44 प्लस में 28 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा 44 प्लस में 28। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन हमने कितने आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, देखिएगा टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 11। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 को यहां से हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहां लिख देता हूं, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 11। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, एक वर्ग बना लीजिए ऐसे करके, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लीजिए सेंटर ये दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, डायमीटर निकल जाएगा 14, मतलब डायमीटर कितना निकल गया, 14 निकल गया। अब ये स्क्वायर का भी डायमीटर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का तो मान पता नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a² इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 7 7 7 14 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डायमीटर 14 निकाला द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a² इज इक्वल टू में 114 गुना में 14 कर लीजिए ऐसे करके, और यहाँ 2 से काटिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 गुना में 14 है तो 14 7 98 हो जाएगा, मतलब e² इज इक्वल टू में 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इसी ए स्क्वायर का हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं स्क्वायर का, जो कि 98 दिया हुआ है, ठीक है ना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या जो भी डायमेंशन दिया होगा वो हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बनाया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे आप। नीचे दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को केंद्र से होकर जाते, यदि प्रत्येक दिशा की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो DAB कितना होगा। तो ये जो है ना, ये यहाँ भी डी है बी है, मतलब ये पूरा पूछ रहा है, ये परिमाप पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये परिमाप कितना होगा ये पूछा है। तो ये परिमाप मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है, ये या आप याद रखिएगा, 4/3 पाई आर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो अब बस इस पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, 4/3 आ जाएगा, पाई आर मतलब 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आर का मतलब 21 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब जो पैरामीटर हम लोग को निकालने के लिए बोला था वो कितना हो जाएगा, वो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 88 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 88 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13, ये आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि दी गई आकृति में यदि प्रत्येक 4 भरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, यदि प्रत्येक 4 भरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिएगा एक आकृति यहाँ मैंने दिया नहीं है, उस आकृति को मैं पहले बना देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कि ये 4 वृत्त ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 वृत्त ऐसे करके दिया हुआ है, अब इसके अंदर भी छोटा वृत्त दिया हुआ है, ऐसे करके ये छोटा वृत्त दिया हुआ है। अब पूछा कि इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों को मिला दिए, इसको भी मिला दिया हमने, इसको भी मिला दिया, तो ये हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया। अब तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, नहीं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब आए, सेम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप पे छोटे वृत्त का आपको त्रिज्या निकालना है, मतलब मान लीजिए स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर निकालना है, और जो दिया हुआ आर है ना उसको कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा √2 - 1 बन जाएगा, √2 - 1 बन जाएगा। जब स्ट्रेट से बनाइएगा तब ये समझ में आएगा, अभी फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा तो इसको एकदम याद करके जाइएगा, ये ट्रिक है, और इसी को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 7, 4 भरे वृत्त का रेडियस दिया हुआ 7, और 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आंसर दे सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है ना। आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखना ऑप्शन में √2 - 1 कहाँ लिखा हुआ है, और आर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोस्तों सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हमने अच्छे से सॉल्व किया, टाइप वाइज क्वेश्चन को देखा। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने हर एक टाइप को आपको ट्रिक से भी स्टेप से भी बता दिया, ठीक है, जहाँ पे जो जरूरत था उसके हिसाब से मैंने बता दिया। इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।